इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएमए के जिम्मेदार मंसूर अली खान का वीडियो आजकल बहुत वायरल हुआ है। आज ही जो है मीडिया में सब तरफ दिखाई दे रहा है, कि टीवी में भी है, सोशल मीडिया में घूमता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब मंसूर अली खान इतने दिनों के बाद आज अचानक आए तो क्यों आए, इसके पीछे क्या वजह है। कई सारे बातों को उन्होंने उस वीडियो में वाजह करने की कोशिश की है, लिहाजा इसके पीछे साजिश भी हो सकती है या ये सच्चाई भी हो सकती है। या खैर वो जब सामने आएंगे तभी इसकी पूरा यानी कि पर्दा फाश हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो जो बातें कही है उस पर भी गौर करने की बात है। सबसे पहले आईएमए के खिलाफ साजिश करने वालों को उन्होंने मुबारकबाद दी है कि आप लोगों ने इसके हम आईएमए के खिलाफ एक साजिश चली और आप कामयाब हुए, आपने ये जंग जीत ली। इस तरह के भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो खुदकुशी का फैसला वो जहनी दबाव में था, जो उन्होंने पहले एक अपना ऑडियो रिलीज किया था जो वायरल हो चुका था मीडिया में, सोशल मीडिया में और खासकर टीवी चैनलों में वगैरह। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो खुद आना चाहते थे, यानी कि आना चाहते थे लेकिन उन्हें ऑफ बोर्ड कर दिया गया, मतलब वो हवाई अड्डे तक पहुंचे लेकिन उन्हें ऑफ बोर्ड कर दिया गया। तो ये भी जो है। और फिर आगे इन्होंने कहा कि मेरे अपनों ने ही गद्दारी की और खासकर सियासतदानों ने उन्हें धोखा दिया। अब जो लिहाजा जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बेंगलोर आना चाहते हैं और सबके सामने पूरी अपनी दास्तान वो बयान करना चाहते हैं। इन्हें शिकायत भी है और वो कहते हैं कि मैंने 21,000 खानदान की देखभाल की पर आप सब लोग मिलकर मेरे अकेले की देखभाल न कर पाए। मैं बार बार आपको कहता रहा कि मुझे वक्त दे दो, आप 2 महीने दे दो लेकिन आपने 2 महीने नहीं दिए। ये भी कहा। और ये भी कहा कि 1,350 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर आवाम के पैसे दिए जाएंगे, ऐसा भी एक भरोसा वो दिला रहे हैं। बहरहाल इस तमाम इनके आने और अचानक अपना एक वीडियो को मंजरेआम पर लाने, ये वीडियो उस वक्त भी वो भेज सकते थे जबकि लोग बिल्कुल परेशान थे और गम गुस्से में थे कि उनके पैसे जो है डूब चुके हैं, तो उस वक्त वो आए नहीं, लिहाजा अब वो आए हैं। खैर मरकजी और सियासी सतह पर रिश्वत करोड़ों की देने की भी बात वो कर रहे हैं, लिहाजा ये भी सवाल का जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा कि आपको करोड़ों की रिश्वत देनी क्यों पड़ी और वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर देनी पड़ी। खैर ब्लैक मनी भी उन्होंने करोड़ों रुपए ब्लैक में देने की भी बात कही, तो ये भी करोड़ों रुपए उन्हें ब्लैक में देने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये भी कहा कि वो यानी कि उसकी रसीद नहीं होती है और हम रसीद नहीं दे सकते, लिहाजा कुछ नाम उनके पास हुए है जो उनके रिश्तेदारों में भी है और उनके खास लोगों के नाम है जो वो नाम ले भी रहे हैं, जिसका नाम जाहिर करने की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नाम अब गिनाए भी है वीडियो में। बेंगलुरु पुलिस अफसर आलोक कुमार का वो बार बार नाम ले रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो कहें और सपोर्ट करें और कहां पर आए, वरना मैं टिकट बुक करूंगा और आ जाऊंगा, ये भी बात वो कह रहे हैं। आवाम से नाराजगी है, उनका कहना है कि मैंने बार बार आपको सपोर्ट करने के लिए कहा लेकिन आपने तो सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल उसके बरक्स ये आपने रद्द अमल दिखाया कि आपने मुझे साथ नहीं दिया और आप जो है गुंडों को भेजकर और जोर जबरदस्ती से आप दफ्तर में आए और पैसों का तकाजा कर दिया। और लोगों के इंतकाल पर भी उन्होंने बात की, जैसे कि कहा जा रहा है कि 5 लोगों का इंतकाल हुआ, तो उस पर भी वो एक बात ये कहते हैं कि जब मैं 13 साल से पैसे देते आया था तो उस वक्त भी 50 लोगों का पैसे लेते लेते इंतकाल हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फिर मुझे आप ये क्यों जिम्मेदार है। लिहाजा ये वीडियो तो आया है लेकिन
इसके पीछे भी साजिश की बू जरूर आ रही है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें सच्चाई है, लेकिन इसमें ये यकीनन ये कहा जा सकता है कि इसमें भी साजिश है, वरना इतने दिन क्यों लगे। और फिर एक सवाल ये भी है कि अगर वो पैसा बट भी जाता है तो क्या सियासतदान और इंतजामिया आवाम तक पहुंचा सकती है। खैर ये तमाम चीजें तो एक कयास आरइया है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि IMA जो हजारों करोड़ों का घपला हुआ है वो गरीबों तक पैसा पहुंचता या नहीं। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।